आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष उदयपुर से श्रीमान मोहन लाल जी खोकावत। आज इन्होंने नगर पालिका कानोड में सफाई कर्मचारियों से संबंधित ज्ञापन दिया। सर, आप भी बताएंगे किस विषय में आपने ज्ञापन दिया? ऐसा है कि हमने ज्ञापन इसलिए दिया कि पिछला जो बोर्ड था उस बोर्ड में हमारा समझौता ये था कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सारे कर्मचारियों का वेतन, सभी कर्मचारियों का वेतन कर दिया जाए। लेकिन अभी अभी जो है ये 2 महीने हो गए, 2 महीने में इस तरह की रुकावट आ रही है कि इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि नए कर्मचारियों को 1 महीना हो गया है और पुराने कर्मचारियों को 2 महीने हो चुके और पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हमने आज मीटिंग की, 1:30 बजे, 1:30 से लेकर 2 बजे हमने मीटिंग की है कर्मचारियों की। सारे कर्मचारियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन हमने तैयार करके और यहाँ की अध्यक्षा श्रीमती चंदा देवी और उपाध्यक्ष जो है नरेंद्र सिंह बाबेल, नरेंद्र सिंह जी बाबेल और ईओ जो है कुंदन सिंह देता, इनको हमने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर 28 तारीख पहले पहले हमारा इन कर्मचारियों का वेतन अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो 30 तारीख को आंदोलन पे चले जाएंगे सारे सभी कर्मचारी कानोड के। दूसरा ये है कि हमने पहले, हमारा एक समझौता था कि वर्दी कितने कर्मचारी यहाँ से रिटायर होके चले गए, लेकिन उनको वर्दी नहीं मिली। इस दौरान हमारा समझौता हुआ था कि 5 साल का वेतन देना, 5 साल का हर कर्मचारियों को वर्दी का पैसा देना है। तो इन्होंने मात्र एक एक साल का पैसा दिया है और वो समझौते में 4 साल अभी भी बाकी है, वो भी है। और दूसरा इनका एरियर है, जो एरियर एक एक कर्मचारी को 1,29,000 रुपये बनते हैं, तो वो एरियर का भी समझौता हुआ था कि 15 दिन के अंदर अंदर कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो इसलिए हमारी मांग ये भी है कि एरियर का भुगतान भी तुरंत किया जाए। अगर ये समय पे नहीं होता है, चलो फिलहाल हम जानते हैं कि एरियर का भुगतान नहीं होगा, एरियर का भुगतान बाद में करें, लेकिन अभी जो है वेतन जो है 2 महीने का और 3 महीने का, नए कर्मचारियों को 3 महीने का, पुराने कर्मचारियों को 2 महीने का, और वर्दी के पैसे ये तुरंत भुगतान किया जाए, नहीं तो सारे कर्मचारी 30 तारीख को आंदोलन पे चले जाएंगे।